एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधे न्यूज रूम से और अब अगली खबर जो है वो यूपी की राजधानी लखनऊ से है। दरअसल कल लखनऊ में ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। रिहायशी इलाका हजरतगंज का ये बहुत पॉश इलाका माना जाता है और यहाँ पर एक बहुमंजिला जो इमारत है वो भरभरा कर गिर गई। इसके पीछे का कारण भूकंप आया और ये इमारत जो है वो भरभरा कर गिर गई। और ये जब गिरी है इमारत तो इसमें तकरीबन 30 से 35 लोग इसके नीचे दब गए, जिनको निकालने के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पहुंची, सेना के जवान भी पहुंचे। रात भर से लेकर अभी तक ये रेस्क्यू चल रहा है। आगे क्या कुछ अपडेट है चारू बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि कहा गया था कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार की इमारत थी, क्योंकि बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन ये सब आखिर कैसे दिया गया जब ये बिल्डिंग जो थी वो पूरी तरह से अवैध थी। लेकिन इस पूरे हादसे में देखिए कि कई लोग ऐसे थे जिन्हें बचा लिया गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। इस हादसे के बारे में क्या कुछ कहना है डीजीपी का वो सुनाते हैं आप। लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो अब तक जो कैजुअल्टी हुई है वो एक है हमारी आधिकारिक रूप से जो है। इसके अलावा अभी दो व्यक्तियों का और हमें पता चला है कि इनमें शायद अभी क्लियर नहीं है आइडेंटिटी, लेकिन एक बैंक एम्प्लॉई यहाँ आए हुए थे किसी क्लाइंट के पास काम से, तो वो एक बैंक एम्प्लॉई हैं और उनके साथ में एक और थे जो है, तो वो पीछे की तरफ हैं बता रहे हैं, तो उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो कन्फर्म नहीं है अभी, उन्होंने अपुष्ट सूचना दी है तो उसको हम लोग कर रहे हैं। जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार आप देख ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा संभव हो उनको सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। रोशन जगब हैं और पीयूष मुरडिया साहब हैं और एक हमारे पीडब्ल्यूडी के जो है वो इंजीनियर हैं, तो ये 3 सदस्यीय कमेटी इसकी जाँच करेगी कारणों का पता लगाने के लिए। लेकिन सपा विधायक के बेटे को शायद समय समय पर जांच करवानी चाहिए थी बिल्डिंग की, क्योंकि सपा विधायक के बेटे की ये बिल्डिंग थी, थोड़े से भूकंप के झटके क्या महसूस हुए उसके बाद इमारत भरभरा के गिर गई। जिन लोगों की जाने गई आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा और आखिर ऐसी इमारतों का समय समय पर जांच क्यों नहीं होता है, सवाल यह भी है। लेकिन मौत की बिल्डिंग ये कैसे, ये आप देखिए। लखनऊ में बिल्डिंग गिरने के बाद अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कहा यह जा रहा है कि अभी भी कई ऐसी जिंदगियां हैं जो मलबे के नीचे फंसी हुई हैं। और तो और बिल्डिंग मालिक सपा विधायक का बेटा हिरासत में ले लिया गया है। सलाखों के पीछे रहेगा सपा विधायक का बेटा, लेकिन चंद पैसों के लालच में ऐसे लोगों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए। वही भूकंप के कुछ ही घंटों के बाद क्या हुआ कि बिल्डिंग भरभरा के गिर गई पूरी तरह से। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर शुरू हुआ जो अभी तक लगातार जारी है। कौन कौन सी टीमें लगे हैं वो भी आप देखिए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पर लगी हैं और तो और वहां पर सेना की टुकड़ियां भी तैनात हैं कि आखिर कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे लोगों को निकाला जाए। लेकिन देखिए सेना की जो वहां पर टीम जुटी है रेस्क्यू में वो लोगों को लगातार बचा तो रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं और इस बारे में हम ताजा अपडेट भी वहां से लेंगे। तस्वीरें आप देखिए नीतू। बिल्कुल, तो देखिए ये देर रात की तस्वीरें, उसके बाद जैसे जैसे सुबह हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। मेरे सहयोगी अभिनव पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं और नीरज मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक कहां तक पहुंचा है, कितने लोगों को निकाला गया है, क्या कुछ अपडेट? तो ये तस्वीरें दिखाऊंगा। अब तक 16 लोगों को निकाला गया है जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है। फिलहाल अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी जारी है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि जो भ्रष्टाचार का पिलर होता है वो भ्रष्टाचार का वो पिलर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर खड़ा होता है। जब कोई नेता और बिल्डर और उसके बाद एलडीए के अधिकारी, इनका जब कॉकटेल तैयार होता है तो इस तरह की बिल्डिंग जो कि भ्रष्टाचार की बिल्डिंग होती है वो खड़ी होती है। पिलर आप ध्यान से देखिए तो इसमें किस तरह की सरिया यूज हुई है, किस तरह का मटेरियल यूज हुआ है वो दिखाता है। अभी आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये 4 मंजिला बिल्डिंग थी, इसके ऊपर एक टेंट हाउस बना हुआ था। इसकी इस समय अगर हम ऊंचाई की बात करें तो करीब 1 मंजिल से भी कम है, यानी कि 4 मंजिल की बिल्डिंग अभी नीचे है। अभी काफी देर तक यहाँ पर अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। देखिए तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो इस समय हैं, जिला अधिकारी डीजीपी महोदय और इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण के तमाम अधिकारी। करीब 13 साल पहले
इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, 8 फ्लैट्स पर लोग रहते थे और कल अचानक जिस तरह 7 बजे का वक्त था उस समय ताश के पत्तों की तरह ये बिल्डिंग ढह गई। आप देखिए एक बार फिर से दिखाते हैं कि अभी 4 मंजिल करीब करीब अभी बेसमेंट के अंदर है, बेसमेंट में काम चल रहा था, खुदाई का काम चल रहा था, वहाँ पानी भरा हुआ था और जो पिलर था उसमें कुछ दरार आई हुई, उसके बाद ये बिल्डिंग पूरी तरह से गिर गई। आप देखिए किस तरह का मटेरियल यूज हुआ है वो दिखाने के लिए पर्याप्त है। हम इस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो शुरुआती तौर पर ये भी समझा जा रहा है कि बिल्डिंग में पानी दिया गया, बिजली दी गई, ये सबकी परमिशन तो थी ही नहीं, फिर भी ये सुविधाएं जो है यहाँ पर दी जा रही थी, यानी भ्रष्टाचार यहाँ पर भी नजर आ रहा है, ना सिर्फ इसे बनाने में, ना सिर्फ इस जमीन को अलॉट करने में, बल्कि कई विभागों की लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन एक्शन के नाम पर अभी तक क्या? जी अभी देखिए एक्शन के नाम पे अभी 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जैसा कि मैंने कहा, एक नेता, एक बिल्डर और अफसर, ये जब तीनों मिलते हैं, एक कॉकटेल तैयार करते हैं, तब इस तरह की भ्रष्टाचार की बिल्डिंग का निर्माण होता है और उसका हाल यही होता है। ये कोई पहली बिल्डिंग नहीं, इस तरह की तमाम बिल्डिंग आपको लखनऊ में मिल जाएंगी। लेकिन अभी ये अभी जिस तरह से बिल्डिंग गिरी है उसके बाद तमाम तरह की बातें की जाएंगी, खाना पूर्ति की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, आरोपियों को सजा मिलेगी, ये तमाम डायलॉग्स आपको अभी सुनने को लगातार मिलेंगे अधिकारियों के उन बैंक कर्मी से बात हो गई, वो बाहर थे जो है, तो वो नहीं है अंदर जो है। कितने लोग 14 लोग रेस्क्यू हुए हैं और 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 1 का अभी और इंडिकेशन मिल रहा है कि अंदर हैं करके। सर कुछ कम्युनिकेशन हो पाया? नहीं, कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, हमारे ट्रैकर डॉग ने इंडिकेशन दिया है कि सब यहाँ पर हैं करके। वो अभी देखिए हम लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग FIR हमारी दर्ज हो गई है। हाँ, FIR दर्ज हो गई है और इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे तब हम लोग इस पर कमेंट करेंगे जो है। सर FPMLA भी क्या, जब हमारे इन्वेस्टिगेटर्स पता करेंगे एविडेंस तब पता चलेगा जो है। FIR में एक तो इनका जो इसके जो मालिक हैं इस प्लॉट के, नवाजिश हैं, सन ऑफ शाहिद मंजूर, और एक उनके चचेरे भाई हैं, उसका नाम क्या है, आरिफ कुछ तारिक, हाँ एक वो है। उसके अलावा जो यजदान बिल्डर के बेग साहब हैं वो इसमें एक्यूज़ हैं और बाकी अन्य लोग जो हैं उसमें एक्यूज़ हैं। नहीं, अभी हम लोगों ने गिरफ्तारी नहीं की है और जब गिरफ्तारी होगी तो प्रॉपर आपको ब्रीफ करके बताएंगे जो है। थैंक यू। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राहत बचाव का कार्य लगातार जारी, नीरज हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं। नीरज, हम शाबेरी की बात करें, दिल्ली में कई इमारतों की गिरने की बात करें, लखनऊ में भी तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर खड़े होकर जब इमारतें गिरती हैं तो मानो ऐसा लगता है कि प्रशासन कितने हरकत में आ गया, कागज पन्ने लेकर खानापूर्तियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन सामने देखिए खानापूर्ति की वजह क्या दिख रही है इस समय, जांच अगर होती तो शायद ये ना होता। नीरज जी बिल्कुल, देखिए जिस जब बिल्डिंग गिर जाती है या इस तरह के कोई हादसे होते हैं उसके बाद जांच होना वो कोई खास मायने नहीं रखता, जब बुनियाद पड़ती है ऐसी बिल्डिंगों की तब अगर कार्रवाई हो तब जरूर जो है इस तरह के हादसों से बचा जा सकता है। आप देखिए अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह से चल रहा है, अभी तमाम लोग हो सकता है कि अंदर हों, लेकिन जब इस तरह की बिल्डिंग्स बनती रहती हैं तब जो तमाम LDA के जो लोग होते हैं या विकास प्राधिकरण के लोग होते हैं, चाहे प्रदेश में कहीं भी बात करें, वो आते हैं अपने हिसाब से वो काम करते हैं और सबको पता है, ये ओपन सीक्रेट है कि किस तरह से पैसे लेकर इस तरह की बिल्डिंग्स जो अवैध भी होती हैं वो खड़ी रहती हैं। 10-10, 15-15 साल बाद जब इस तरह की दुर्घटना होती है तब प्रशासन जागता है और जो FIR भी हुई है वो बिल्डर और जिन लोगों ने बिल्डिंग बनाई और जिन्होंने बनवाई, कितनी देर और चलता है, कितने लोगों को बचाया जाता है, सबसे बड़ा सवाल और इंतजार यही है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा हो और जो लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, यही कामना की जा रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।